नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष ने फिल्म मेकर अनुराग कश्यप के खिलाफ वर्सोवा पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई थी। FIR में पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर छेड़छाड़ समेत और भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। अपनी शिकायत में पायल ने आरोप लगाया था कि कश्यप ने 2013 में वर्सोवा में यारी रोड की एक जगह पर उनका रेप किया था। पायल ने अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग भी की थी। अब वर्सोवा पुलिस ने अनुराग कश्यप को समन भेजा है। अनुराग कश्यप को 1 अक्टूबर को बयान के लिए बुलाया गया है। बता दें कि पिछले दिनों पायल घोष वकील नितिन सातपुते के साथ मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने पहुंची थी। वकील नितिन सातपुते ने बताया कि IPC की धारा 376, 354, 341, 342 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं अनुराग कश्यप के वकील की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि मेरे क्लाइंट अनुराग कश्यप को इन झूठे आरोपों से तकलीफ हुई है। ये बिल्कुल गलत, बेईमान और अपमानजनक आरोप हैं। उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि इन आरोपों से मीटू मूवमेंट की सार्थकता और विश्वसनीयता कम की जा रही है। कश्यप के समर्थन में उनकी पहली दो बीवियां आरती बजाज और कल्कि कोचलिन भी सामने आई थी और इन आरोपों के खिलाफ लड़ने के लिए उनका हौसला बढ़ाया था। इधर अनुराग कश्यप ने पायल घोष के लगाए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने ट्वीट भी किया था और कहा था, क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में, चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए कि औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग घसीट दिया। थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम, बस यही कहूंगा कि जो भी आरोप हैं आपके सब बेबुनियाद हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।